हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन, लाइफ ऑफ गोरी। और आज हम बात करेंगे वैक्स पर। ठीक है, तो गाइस गर्मी आ चुकी है और गर्मी में हम सभी जो ड्रेसेस पहनना स्टार्ट करते हैं वो है कट स्लीव, स्लीव हाफ स्लीव्स की होती हैं। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें होती है वैक्स की, क्योंकि लेग्स के लिए भी हम शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। अब वैक्स प्रॉपर हम किस वे में यूज़ करें, कि हम जो आपकी नॉर्मली जो पार्लर में यूज़ होती है वैक्स वो यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत सारे लोग क्या होते हैं अवॉइड करते हैं, टाइम नहीं होता है। जो वर्किंग होते हैं उनके पास में भी टाइम नहीं होता है कि बार बार पार्लर जाएं, 3-4 घंटे वहाँ पे बिता के आए, तब वैक्स करा के आए, फिर 15-20 दिन बाद फिर छोटे छोटे लिटिल हेयर आ जाते हैं, फिर उसके लिए फिर से हम पार्लर जाएँ। इतना टाइम आज के टाइम में किसी के पास नहीं है, स्पेशली जो वर्किंग लेडी हैं उनके पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा हमें क्या यूज़ करना चाहिए घर पर ही, और अफोर्डेबल भी हो और अच्छा हो, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो प्रोडक्ट। तो मैं जो अपने लिए यूज़ करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ एपिलेटर की। ठीक है, तो मैं जो बेस्ट, मतलब मेरे लिए जो बेस्ट है वो है एपिलेटर। मैं आप सभी को यही हाईली रिकमेंडेड करती हूँ कि एपिलेटर यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना दर्द आप वैक्स में सहन करते हैं उसका कहीं बहुत ही कम, मतलब आप लगा लीजिए उससे कहीं 10% का बस आपको इसमें सहन करना होता है। इसमें इरिटेशन नहीं होती है, इसमें जस्ट ऐसे होता है कि चीटी सी चल रही है, बस इतना सा पेन होता है। इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको वन बाय वन इसके सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये एपिलेटर मशीन है जो इसके साथ मिलती है। इस पर ये एक प्लास्टिक का लगा होता है, मानो कहीं पे बॉडी पे ज़्यादा ही हेयर है, लाइक अंडर आर्म्स आप कर रहे हैं तो पहले मोटे हेयर निकालने के लिए आप इसको इस पर पहनाएंगे, और पहनाने के बाद में जब आप इसे चालू करेंगे तो ये इससे ईजी हो जाता है। फिर दूसरा इसमें जो आती है, इसके जो ये आती है, मान लो आपको सेविंग करनी है, जैसे मैन होते हैं मैन सेविंग करते हैं, वुमेन्स भी बहुत सारी क्या होती हैं सेविंग्स करती हैं, तो सेविंग के लिए इसमें ये वाला टूल दिया गया है। इस टूल को जैसे ही आप यहाँ से रिमूव करेंगे इसका, ये निकल जाता है इस तरह से और ये इसमें यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जैसे ये फिक्स हो जाएगा तो ये यहाँ पर बटन दिया हुआ है और ये चार्जेबल है, आपको इसका चार्जर मिलता है, काफ़ी अच्छा इसमें वायर है, चार्जर जो है मतलब आप इसकी जो लेंथ देख रहे हैं वायर की, देखिए कितनी बड़ी है, तो बहुत डिस्टेंस तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्लग करके और काफ़ी दूर खड़े होके या बैठ के जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें आपको जो मिलता है ये इसका ब्रश मिलता है, आफ्टर जब आप कर लेते हैं वैक्स तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें जो छोटे छोटे हेयर फंस जाते हैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी इसमें और बस यही चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं इसका यूज़ आपको कैसे करना है ये मैं आपको इसको प्रॉपर डेमो करके, तो गाइस मैं इसका डेमो करके दिखाने वाली हूँ आपको एपिलेटर का। पहले मैं आपको अपने हाथ पे हेयर दिखा देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ अभी गई हैं और मेरे हाथ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है हेयर की, क्योंकि पूरी विंटर्स में मैं नहीं करती हूँ तो मैं समर में ही करती हूँ। आप देख सकते हैं इजीली मेरे हाथ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, तो गाइस अब हम डेमो के लिए तैयार हो जाते हैं, डेमो देखते हैं इसका डेमो कैसा रहता है। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको, इसकी आवाज कुछ ऐसी है, अभी यहाँ देखेंगे आप, हल्का हल्का सा इसको आपको ऐसे करते जाना है, पेन नहीं होता है। हेयर की डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको चलाना है, देखिए गाइस ये देखिए बिल्कुल क्लीन, मतलब जिसे आप कहते हैं हल्का सा रेडिश होगा, रेडिश के लिए आप क्या करेंगे, जब आप इसको प्रॉपर
फिनिश कर लेंगे पूरी वैक्सिस के थ्रू, तब आप अपना कोई भी बॉडी लोशन जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और कुछ भी नहीं पेन होता है। पेन मतलब मैं तो कहती हूँ कि जो वैक्स में हमें को पेन यूज़ होता मतलब फील करते हैं हम लोग, उसका तो बिल्कुल ही लिटिल होता है। आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि देखिए ये देखिए कितना यहाँ पे मेरा हेयर है और यहाँ पे मैंने अभी इसको यूज़ किया है, बिल्कुल क्लीन मेरा है बिल्कुल हैंड या से। और गाइज ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत कम टाइम में आप वैक्स कर सकते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी जो भी लोग गर्मियों में वैक्स से लेके टेंशन में रहते हैं कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि वैक्स क्या होता है गर्मियों में जब जून का महीना होता है तो बहुत ही वेटी होता है हमारा जो स्किन होता है पसीने के थ्रू और चिपक ही नहीं पाता है, जिससे बहुत इरिटेशन होती है, आप खींचते हैं खाल में भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी एपिलेटर के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुटेबल चीज़ है। गाइस फाइनली मेरी एक हाथ पर पूरी वैक्स फिनिश हो चुकी है और मैं अब आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन रिजल्ट है इसका मेरे हाथ पर, बिल्कुल क्लीन, जिसे कहते हैं ना क्लीन से क्लीन रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। तो गाइस मैं इसे आपके लिए हाईली रिकमेंडेड करूँगी। अभी सेकंड हैंड पे मैं करने वाली हूँ इसको और देखिए सेकंड हैंड पे भी मेरे काफ़ी अच्छी हेयर हैं, तो मैं इनको क्लीन करूँगी और फिर मेरा फाइनल दोनों हाथ का हो जाएगा, लेग्स वगैरह भी मुझे करनी है। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मैं इसका प्राइस और आपको बता दूँ एक सेकेंड, क्योंकि मुझे खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ये है आपका 2665 रुपये, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट पे मिला था तो जहाँ तक मुझे याद है 2300 या 2200 कुछ ऐसी मुझे पड़ गया था। तो गाइस वेरी अफोर्डेबल है, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड करने वाली हूँ, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी यूज़ कीजिए इसको। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, ध्यान रखें अपना, थैंक यू गाइज़।